तो आज एक बार फिर से ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड सभी टीचर्स और पूरे मैनेजमेंट को हमारी सभी ग्रैंड पेरेंट्स की ओर से बहुत बहुत थैंक्स। आए हुए सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और इन नन्हे फरिश्तों को ढेर सारा प्यार। आज के टाइम में जबकि बच्चे अपने संस्कारों से कुछ दूर होते जा रहे हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। कुछ भक्ति ऐसा चल रहा है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, उन स्कूल्स के बीच में वेंकटेश्वर स्कूल ने अपने आप को एक अलग जगह पर रखा है। इस चीज की हमें बहुत खुशी और तसल्ली है कि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर जाकर अपने संस्कार और मॉरल वैल्यूज से जुड़ रहे हैं। इसमें स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी स्टेज पर देख रही थी कि दुर्गा जी का जो श्लोक है उसमें नमस्तस्य ही प्रोनाउंस करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। इतने प्यार से बच्चों को अपने हिंदी और संस्कृत के श्लोकों से जोड़ना, उस भाषा का ज्ञान कराना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं एक बार फिर से पूरे स्कूल का, टीचर्स का, मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। हम ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की बड़ी चिंता होती है, यहाँ आकर बड़ी तसल्ली होती है कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। एक गाने के बोल याद आ रहे हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लेकिन मुझे इस गाने की लाइनें ग्रैंड पेरेंट बनने के बाद, ग्रैंड माँ बनने के बाद झूठ लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन का गुजरा हुआ मकाम, हमारा बचपन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के रूप में एक बार फिर से हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम दुगने उमंग और उल्लास के साथ हर पल जीते हैं। और इनका प्यारा मुखड़ा देखकर बस यही ख्याल आता है कि तुमको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। एवरीवन, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुमको दिल को मेरे चैन आता है, तुमको ना देखूं तो जी घबराता है। हम सभी ग्रैंड पेरेंट्स की फीलिंग्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए सेम ही है। और हमारा दिल क्या कहता है, हर गम उठा लूं मैं तो अकेले, हर गम उठा लूं मैं तो अकेले, तेरे लिए वो खुशियों के मेले, तेरे लिए वो खुशियों के मेले, सारा संसार दूं खुशियां मैं बांट दूं, तू जो कहे तो इतना मैं प्यार दूं, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। बच्चे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो दादा दादी की, नाना नानी की जान निकल जाती है। लेकिन यहाँ इस द वेंकटेश्वर स्कूल में 3-4 घंटों के लिए बच्चों को भेजकर हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इतनी अच्छी जगह पर गया है, मॉरल वैल्यू से भी जुड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छे संस्कार भी सीख रहा है, बड़ों
का आदर मान करना सीख रहा है। और वैसे तो ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन इस चीज के बारे में बच्चों को ज्ञान कराना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एक बार मैं फिर से सभी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक यू।